तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से इंजीनियरिंग में। चलिए आज हम लोग देखेंगे माइक्रोटेक के बारे में। तो माइक्रोटेक क्या है? माइक्रोटेक सिंपल सा टैग है जिससे कि हम लोग एनिमेशन प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे टेक्स्ट को या हमारी इमेजेस को। तो हमें कुछ नहीं, सिर्फ माइक्रोटेक लिखना है एंड इसे हम क्लोज भी करेंगे। एंड इस टैग के बीच में हमें या तो टेक्स्ट देना है या तो इमेज देना है। जो भी हम लोग देंगे वो उसके हिसाब से फिर एनिमेशन प्रोवाइड करेगा। तो चलिए हम लोग तो यहाँ पर टेक्स्ट देते हैं। हमने यहाँ पर दे चुका है टेक्स्ट। अब इसे हम लोग सेव करेंगे और जब हम इसे प्रीव्यू देखेंगे हम लोग इसका, तो सिंपल सा है कि ये सिंपल सा एनिमेशन प्रोवाइड कर रहा है जिसमें टेक्स्ट मूव हो रहा है। तो ये एक सिंपल सा एनिमेशन दे सकते हैं हम लोग माइक्रोटेक के मदद से। अब माइक्रोटेक के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, तो हम चलिए एक एक एट्रीब्यूट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला एट्रीब्यूट हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन। हम डायरेक्शन चार डायरेक्शन दे सकते हैं, या तो अप डाउन राइट लेफ्ट। तो ये चार डायरेक्शन हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमने डायरेक्शन दिया यहाँ पर और सबसे पहले डायरेक्शन देंगे हम लोग अप का। तो ये डायरेक्शन कुछ इस प्रकार है जिसमें कि डाउन से ऊपर जा रहा है, ये अप जा रहा है। अब वहीं पर हम लोग यहाँ पर देंगे डाउन, तो डायरेक्शन कुछ इस प्रकार रहेगा, ऊपर से नीचे राइट। तो राइट जा रहा है और लेफ्ट जो हमने जो सबसे पहले जा रहा था वो लेफ्ट जो है डिफॉल्ट रहता है वही लेफ्ट है इसका। तो ये हो गए डायरेक्शन, चार प्रकार का डायरेक्शन। अब और एक एट्रीब्यूट है देखेंगे हम लोग जिसका नाम है बिहेवियर। तीन प्रकार के बिहेवियर होते हैं माइक्रोटेक के अंदर, जो कि बिहेवियर बताता है कि माइक्रो किस तरीके से जो एनिमेशन किस तरीके से जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिहेवियर स्लाइड। ओ बिहेवियर बी, ओके। एंड हम लोग लिखेंगे स्लाइड एंड इसे सेव करेंगे और आके इसको रन करके देखेंगे। तो इसमें बिहेवियर क्या चेंज हुआ इसका, तो मैं आपको बताता हूँ इसका बिहेवियर क्या चेंज हुआ। अब ये जो टेक्स्ट है ये मूव तो हो रहा है बट अब ये यहाँ पर आके रुक जाएगा। तो ये है एक स्लाइड, इसका बिहेवियर सिर्फ एक बार स्लाइड होकर यहाँ पर ये रुक जाएगा। तो ये इसका एक बिहेवियर होगा, देखिए अभी रुकने वाला ये और ये स्टॉप हो गया। तो ये हो गया स्लाइड का एक बिहेवियर। अब यहाँ पर देंगे हम लोग स्क्रोल। तो स्क्रोल में क्या होता है कि माइक्रोटेक कंटिन्यूसली स्क्रोल होता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। चलिए देख लेते हैं, एक स्क्रोल देख लेते हैं हम लोग, एक स्क्रोल। तो ये स्क्रोल हो रहा है और कंटिन्यूसली स्क्रोल होगा और फिर से ये रिपीट हो जाएगा। तो ये हो गया एक स्क्रोल का एक बिहेवियर। और ये देखिए अभी कंटिन्यूसली यहाँ पर ख़त्म हो गया और फिर यहाँ से ऑटोमेटिकली फिर से चालू हो जाएगा। तो ये हो गया स्क्रोल। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अल्टरनेट। अल्टरनेट लिख दिए हमने और इसे इसका प्रीव्यू देखेंगे। तो अल्टरनेट में क्या होता है कि जो हमारा एनिमेशन होता है, हमारा जो टेक्स्ट का एनिमेशन हो रहा है, ये अल्टरनेटली होगा। मतलब ये यहाँ तक होगा, फिर यहाँ से फिर से रिपीट होकर फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ से फिर से रिपीट होकर फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ से फिर से रिपीट होकर यहाँ होगा। तो कंटिन्यूसली अल्टरनेटली रिपीट होता रहेगा। फिर देखिए अब यहाँ से फिर यहाँ होगा, सेम रिपीट फिर यहाँ होगा। तो इस प्रकार से ये अल्टरनेट एक और इसका बिहेवियर होगा। तो तीन प्रकार के इसके बिहेवियर हो गए। अब हम लोग देखेंगे और एक इसका एट्रीब्यूट जिसका नाम है स्क्रोल अमाउंट। स्क्रोल अमाउंट मतलब सिंपली हम बोल सकते हैं कि इसकी स्पीड, हमारे एनिमेशन की स्पीड। तो हम लोग लिखेंगे इस यहाँ पर स्क्रोल अमाउंट एंड हम लोग स्क्रोल अमाउंट देंगे, चलिए हम लोग देते 10। तो इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी, देखिए स्पीड देख सकते हैं कि थोड़ी बढ़ गई है। हम लोग स्क्रोल अमाउंट अगर हमने और दे दिया तो इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हैं एक इसका एट्रीब्यूट के मदद से, स्क्रोल अमाउंट की मदद से हम लोग स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम लोग को अगर कोई कलर देना है माइक्रोटेक के अंदर, हमें यहाँ पर कलर कोई कलर देना है तो हम कैसे देंगे? हम लोग यहाँ पर सिंपली लिखेंगे बीजी कलर और चलिए कोई कलर दे देते हैं। हमने रेड दे दिया एंड सेव करके हम लोग इसका प्रीव्यू देखेंगे। तो इसका जो बैकग्राउंड है ये रेड हो चुका है। तो हम लोग कुछ इस प्रकार से हम लोग इसका बैकग्राउंड भी दे सकते हैं माइक्रोटेक के अंदर। तो इसका ये और एक अच्छा एट्रीब्यूट हो गया। अब हम लोग और एक एट्रीब्यूट देखते हैं, एक लास्ट एट्रीब्यूट है इसका हाइट एंड विड्थ। तो इसका हाइट एंड विड्थ हम लोग एट्रीब्यूट देखते हैं। तो हमें इसका अगर हाइट एंड विड्थ समझना है तो हम लोग बीजी कलर वापस से लिखेंगे एंड फिर से लिखेंगे हम लोग हाइट एंड विड्थ लिखेंगे।
हम लोग हाइट विड्थ 10 10 दे देते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है, एक सिंपल सा हम लोग एग्जांपल दे रहे हैं, तो 10 10 देख के देखते हैं कैसा होता है। सो ये बहुत छोटा सा आया है, इसको बड़ा करना पड़ेगा हमें। तो चलिए हम लोग 100 देते हैं, 100 100। एंड इसका हाइट विड्थ क्या चीज़ होता है, तो ये कुछ इस प्रकार का इसका। अब यहीं पर मार्क्यू सिर्फ अप्लाई हो रहा है, सिर्फ इतने बॉक्स के अंदर मार्क्यू अप्लाई हो रहा है। और जैसे कि हमने अगर 500 दिया, 500 500 एंड सेव करके हम लोग इसे प्रीव्यू देखेंगे। तो ये इतने बॉक्स में सिर्फ अप्लाई होगा मार्क्यू टैग, मतलब अभी यहीं से यहाँ तक ही मार्क्यू टैग चलेगा। सो ये एक बहुत ही ये तो ये भी एक अच्छा इसका एट्रीब्यूट है। तो हमने आज क्या क्या जाना, हमने आज मार्क्यू टैग के बारे में जाना, जिसमें कि हमने जाना टॉप डाउन राइट और लेफ्ट का एक एट्रीब्यूट जाना, डायरेक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके बाद हमने बिहेवियर जाना, स्लाइड स्क्रोल एंड अल्टरनेट, उसके बाद हमने स्क्रोल अमाउंट जाना जिससे कि हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं मार्क्यू टैग का, फिर हमने बीजी टैग जाना जिससे कि हम लोग बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं हमारे मार्क्यू टैग का, फिर उसके बाद हमने हाइट एंड विड्थ जाना जिससे कि हम एक स्पेसिफिक एरिया में हम लोग मार्क्यू टैग को एलोकेट या लोकेशन हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने आज जाना मार्क्यू टैग के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नई बातें जानेंगे HTML के बारे में, और इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं और ऐसे वीडियोस लाते रहूँगा। धन्यवाद।